हाय फ्रेंड्स, मुँ राजा आपको कौन ना कौन स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिया ट्रिक्स को। जदि आप कंट्राक्चुअल हाईस्कल टीचर ओ स्टेट एग्जाम प्रिपेरेसन करुवे ओएभीएस एग्जाम प्रिपेरेसन करुवे भिडियोटी आपण मानी बहुत हेल्पफुल हे। आम केमिस्ट्री गोटे इम्पोर्टाट आ गए इजी चैप्टर पढ़ाक जाऊँगी जहाँ ना हूँ केमिकल रिएक्शन, जोटा को ओडिया कहते कौन ना रासायनिक समीकरण। चेष्टा करेंगे सिंपल ले बुझा और सर्टकट रे बुझा। जदि आप पीडीएफ नाक चाहते आम टेलीग्राम रो लिंक ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छी जाएंगे जॉइन करेंगे। चलतु केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण पढ़िया पूर्वर आम परिवर्तन विषय में पढ़ा जानते परिवर्तन गोटे वस्तुर अवस्था हो पारे गुण रहीपे धर्म रहीपे परिवर्तन हो बहुत सारा परिवर्तन परिवर्तन ही दुनिया नियम नुह कि चेंज सब बड़े हो समय परिवर्तन हो ऋतुर परिवर्तन हो सूर्यर परिवर्तन हो सूर्य कौन कर पूर्व उदय होस्त हो पश्चिम कौन होमती कौन कर चली से आम कौन करवा साइंस रो परिवर्तन पढ़ा परिवर्तन बा चेंजेस आर ऑफ टू टाइप परिवर्तन हो दुई प्रकार कौन कौन ना गोटे हूँ फिजिकल चेंज आ गोटे हूँ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को आम कहीपर भौतिक परिवर्तन केमिकल चेंज को कहीपर रासायनिक परिवर्तन गोटे उदाहरण देवी बुझीपर आम कौन कले ना पानी को लेकिन कौन कले ना पानी पानी को लेकिन फ्रिज्रे रखिदे कौन हम ना से बरफ हो पी कौन कले ना बरफ को बाहर आणिकी समय रखिदे से कौन कर ना तरलवा आरम कर से पुणी पाजब बा पानी होची मूल अवस्था मूल अवस्थारु से बरफ को परिवर्तन हैला कौन ना मूल अवस्था होची पानी तरल अवस्था रे अछि पानी रु से कौन हैला ना बरफ पुणी कौन कले ना बरफ को आम बाहर रखी दौ कि फ्रिज रु से पुणी पानी हो जाऊन कि मूल अवस्था को फेरी आसुन कि जो परिवर्तन रे आम गोटे मूल पदार्थ रु आउ गोटे पदार्थ पाइबा आउ गोटे जिनस पाइबा पुणी ताको कौन कले जेकोसी मात्र पुणी मूल अवस्था जदि से फेरी आसीब ताको कहिबा भौतिक परिवर्तन बा साधारण भाषा रे बुझियाव गले भौतिक परिवर्तन रे वस्तुटा ता मूल अवस्था को फेरी आसी पारिब। किंतु केमिकल रिएक्शन कौन बा केमिकल चेंज कौन ना रासायनिक परिवर्तन कौन ना आम लोहा को बाहर पकेद किसी समय पर देखा किदिन पर गलापर से कलंकी लगि जाए आउ सी कलंकी को आम जिते घसी माजी सफा कले सी कौन आ लुहा को फेरी हे फेरी हम ना जो परिवर्तन रे वस्तुटा ता मूल अवस्था को फेरी आसी पारिब नाही सी हूँ कौन ना केमिकल चेंज बा रासायनिक परिवर्तन बुझेगा। भौतिक परिवर्तन रे ता मूल अवस्था को फेरी आसीब किंतु रासायनिक परिवर्तन रे फेरी आसीब नाही। तापर व्हेन द केमिकल चेंज जेते बळे रासायनिक परिवर्तन को आमे सिंबल रे रिप्रेजेंट करिबा सिंबल रे ताकु कोन करिबा ना परिप्रकाश करिबा ताकु को आजिबो कोन ना केमिकल रिएक्शन बा रासायनिक प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया माने गोटे किछि परिवर्तन होउछि ताकु आमे सिंबल बा संकेत रे लेखु चंती बुझियला। नेक्स्ट को जिबा गोटे एग्जांपल लेखिछि समिति आयरन को आम कौन करवा ना रिएक्शन करवा कौटी ना वायु रे ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करवा जो एटमॉस्फेयर रे कौन अच्छी ना वाटर अच्छी ह्यूमिडिटी अच्छी से कौन करिबो ना कलंकी रे परिवर्तन हो लेखाइनी हाई कलंकी रो रासायनिक नेम कौन ना हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बस सी हूँ गोटे प्रकार परिवर्तन आकु आम कौन कलंकी को जिते धोले कौन पूर्व अवस्था को फेरी पार सी हूँ केमिकल चेंज आ केमिकल चेंज को आम संकेत लिखिंट यहीटा हो गला केमिकल रिएक्शन सरीगला। आम साधारणतः केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती सिंबल रे भाया दुई प्रकार जिनस लेखती गोटे तीर चिन्ह दिह आरो मार्क दिह तार लेफ्ट साइड रे गोटे राइट साइड रे किछि थिबो लेफ्ट साइड रे जहाँ सब थे कहते रिएक्टेंट बा आरो मार्क रो लेफ्ट साइड को कहते रिएक्टेंट साइड राइट साइड को कहते प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट माने प्रतिकारक प्रोडक्ट होची उत्पाद रिएक्टेंट रु किछि प्रोडक्ट सृष्टि हेबो बस सेटा। नेक्स्ट को जीवा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन बहुत प्रकार अच्छी बा रासायनिक समीकरण बहुत प्रकार अच्छी। गोटे है कौन ना सिंथेसिस। सिंथेसिस रे कौन हम ना दुईटा कौन हम ना रिएक्टेंट मिसिकी गोटे प्रोडक्ट देवे देखा है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड अ सिंथेसिस। एथिरे हाइड्रोजन सहित क्लोरीन मिसिकी एच सी एल देनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड देनी दुईटा अलग अलग कौन ना कंपाउंड मिसिकी दुईटा रिएक्टेंट मिसिकी गोटे प्रडक्ट देनी कि से हेगला सिंथेसिस। बुझेगा जिते बड़े दुईटी रिएक्टेंट मिसिकी गोटे मात्र प्रडक्ट दे थाए कहते कौन ना सिंथेसिस संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट को जीवा डीकंपोजिशन ठीक तार उल्टा कौन हम ना गोटे रिएक्टेंट रु भांगिकी दुईटा प्रडक्ट हम गोटे प्रतिकारक रु भांगिकी दुईटा उत्पाद सृष्टि होगा व्वाटर रु भांगिकी एच टू ओ टू बाहर सेटा होची डीकंपोजिशन रिएक्शन। एबे आइला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़िया कहले आपण मानको रिएक्टिविटी सीरीज मन रखे पड़ो जोटा अधिक कौन थी ना प्रतिक्रियाशील वस्तुटा मेटालटा धातुटा कम प्रतिक्रियाशील धातु को कौन कर रिप्लेस करके जगह बस डिस्प्लेसमेंट मैंने डिस्प्लेस ता जगार हटे दब कौन लिखाई व्हेन वन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बा रिएक्टिव एलिमेंट को ताको कहते डिस्प्लेसमेंट। सिंपल जदि कौन थी ना गोटे आपण घर पाखे दुई जन झगड़ा है जमी को लेकिन झगड़ा है जो लोकटा अधिक पावरफुल जहाँ पाखे अधिक पैसा अच्छी पॉलिटिक्स पावर अच्छी सी कौन कर जी टे कम पावरफुल लोक को दबेदेव ता जगार हटे निजे से जगह नहीं जीव ताले सही भलिया कंडीशन को कहते डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल ले बुझा लिखाई जिंक फॉर प्लस कॉपर सल्फेट है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर एटी कौन है जिंकटा अधिक प्रतिक्रियाशील थी कॉपर सल्फेट रु कॉपर को हटे कि जिंक स्थान नहीं ना जिंकटा अधिक रिएक्टिव से कॉपर स्थान रु कौन है हटे कॉपर को जिंक कौन कर कॉपर सल्फेट जगार जिंक बसिकी जिंक सल्फेट हो जाए कि कॉपर बाहर बुझेगा कौन हम ना जी अधिक प्रतिक्रियाशील थी सी कम प्रतिक्रियाशील धातु को हटे कि जगह बस वैटा एबाला डबल डिस्प्लेसमेंट एका सागर दीज हो जड़े अने जड़े जगह बस वे आसी ता जगार बस कौन ना सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटासीयम क्लोराइड। सिल्वर कौन कर पोटासीयम जगह पड़े कि सिल्वर क्लोराइड हो जाए आ पोटासीयम आसिकी सिल्वर जगह लगे कि पोटासीयम नाइट्रेट हो जाए कौन करेंगे ना नोट को लेख लक्ष्य करके आउ थे मिसेदेवे ठीक से अच्छे कि नहीं सेटा होची डबल डिस्प्लेसमेंट द्वैत विस्थापन कौन थी ना ये ता जगह बस वे ता जगह को पलि आस म्यूचुआल कौन हम ना से ट्रांसफर हो स्थान परिवर्तन होटा कौन डबल डिस्प्लेसमेंट। एवं हाइड्रोलिसिस माने आम कौन करवा ना गोटे जिनसटा को सब्सटेंस को कौन करवा ना वाटर सहित मिसेले कौन हम ना सी गोटे अम्ल आ क्षार दे था जमी कौन एटा एस बी कौन आंटीमोनी क्लोराइड। आंटीमोनी क्लोराइड को जदि आम वाटर सहित मिसेबा ये गोटे कौन ना ये गोटे कौन दे ना आंटीमोनी ऑक्सीक्लोराइड देला ता सहित एचसीएल ये हूँ गोटे बेस ये गोटे हला कौन अच्छे पढ़ी ने सरला। न्यूट्रलाइजेशन माने कौन ना प्रसमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया। प्रसमनीकरण माने आम स्कूल रु पढ़ी आसती अम्ल क्षार लवण विषय में जितेबाला अम्ल सहित कौन ना क्षार रासायनिक प्रतिक्रिया हुए लवण आउ जल सृष्टि हुए सेटा कहते न्यूट्रलाइजेशन बा प्रसमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया है सेटा। एचसीएल होची कौन एचसीएल होची एसिड एनएओएच सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एसिड बेस मिसला सल्ट आउ जल सृष्टि है सेटा होची कौन ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बुझेगा। नेक्स्ट को जीवा कौन ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रो माने होची एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन सी वस्तु सहित कौन सी केमिकल सहित कौन सी जिनस सहित ऑक्सीजन जो मिसीज सी होची ऑक्सीडेशन बात हाइड्रोजन से बाहरी जाऊँच सी भी गोटे प्रकार ऑक्सीडेशन बुझा। कार्बन सहित ऑक्सीजन मिसीनी कार्बन सहित ऑक्सीजन मिसिकी कार्बन डाइऑक्साइड होती ये कौन है
ना कार्बन डाइऑक्साइड जेहेतु ऑक्सीजन सहित तो मिसिला ताले ये होची कौन ना ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैला ता सहित तो कहि हाइड्रोजन रिमूवल एच टू एस थिला एच टू एस रु कौन हो ना एच बाहरी जाए कि कौन हो ना एच सी एल हो जाऊँगी एच टू एस रु एस बाहर एच बाहरी गला परे खाली एस बड़ी पड़ा जेहेतु एठू कौन हो ना हाइड्रोजन बाहरी जाऊँगी से होगा कौन ये भी गोटे प्रकार ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन माने हूँ जारण अम्लजानर जोग बा उजानर कौन हम ना वियोग सरला खाली नोट नहीं टे पढ़े रिडक्शन ठीक ओलटा हेटी ऑक्सीजन रो जोग होता बेले एटी हूँ ऑक्सीजन रो वियोग हाइड्रोजन कौन होता बाहरी जाऊला एटी हाइड्रोजन मिसीजी ठीक कौन हम ना पीबीओ रु ऑक्सीजन बाहरी जाए कि पीबी होगा जेहेतु ऑक्सीजन बाहरी जा कौन ना रिडक्शन एटी कौन ना से ऑक्सीडेशन रे कौन होता ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन थी एटी रिडक्शन रे हम एडिशन से बाहर थी बेले मिसीब हाइड्रोजन टा मिसी नहीं एच टू बी आर टू मिसिकी एच बी आर है नहीं हाइड्रोजन मिसी जाए सी गोटे रिडक्शन हो गला बस सिंपल मन रखिए ऑक्सीडेशन माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन माने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन आउ गोटे मीनिंग कौन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सरीगला सिंपल कथा रिडक्स माने एका सांगरे दुईटा जिनस ऑक्सीडेशन होतिबो रिडक्शन भी होतिबो ऑक्सीडेशन कौन मु कहिछि ऑक्सीडेशन माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिसुथिबो बा हाइड्रोजन बाहर जाउथिबो एच टू एस ओ फोर रु हाइड्रोजन बाहर जाएनि के टू एस ओ फोर होइछि एच टू एस ओ फोर रु एच टू बाहर जाइछि एच टू टा बाहर जीवा माने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन माने कोन ऑक्सीडेशन ता सहित एटि के एम एन ओ फोर रे कौन है ना के एम एन ओ फोर रु कौन है ना के अच्छी एटी कौन एम एन ओ फोर टू कौन है ना एम एन एस ओ फोर हो मांगानीज सल्फेट हो जाठी कौन है बस रिएक्शन को टिके लक्ष्य करेंगे जाकि बुझीहब हठात एटा बुझीहबनी आप करेंगे धीरे से बस को करेंगे आट ए टाइम कौन होना रिडक्शन ऑक्सीजेशन होटा होपर कौन होना ऑक्सीडेशन रिडक्शन आज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो माने सिंपल सिंपल मन रखिए ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहरी गले सी हूँ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन मिसी गले कौन हम ना रिडक्शन देनी एटी केतबेळे हुए गोटे सोडियम आयन एटी अच्छी कौन अच्छी ना सोडियम आयन रु कौन ना इलेक्ट्रॉन बाहरी गले से पॉजिटिव हो जाए ना लॉस हेला परे कौन हो ना ऑक्सीडेशन एटी ऐड हो माने कौन ना रिडक्शन बुझेगा तापर हूँ कौन ना ऑक्सीडेशन मेथड आपण कौन करेंगे ना ये गोटे रिडक्शन मेथड जो ऑक्सीडो रिडक्स रिडक्स रिएक्शन रो आउ गोटे रिएक्शन नहीं जीवे एग्जांपल नहीं जे बुझे टे डिफिकल्ट लगुच हठात बुझीपारे ताको सिंप्लीफाई निजे कले बुझीहब एवं बढ़िया ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर काढ़िया पूर्व बहुत इजी आपण कौन करेंगे ना किसी रूल को फॉलो करेंगे कौन दे रूल नंबर वन ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव हो पार नेगेटिव हो पार जीरो हो पार आपण को लेखिया पूर्व प्लस साइन देबे ना माइनस साइन देबे ना जीरो हबो जदि आप खाली टू लिखिं प्लस टू लिखे ताले भूल हो प्लस टू बा माइनस टू बा जीरो एमती लिखे पड़ो तापर रूल कौन ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इन अनकंबाइंड और फ्री स्टेट जो मैंने सब फ्री स्टेट अच्छे क्या सह मिसी जमी सोडियम कौन टू थ्री लिखाई कि फ्री स्टेट से मानकर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ता सहित ऑक्सीडेशन नंबर माने सोडियम क्लोरीन सहित मिसीच कि मिसी से फ्री रे अच्छे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन हाइड्रोजन इज प्लस वन हाइड्रोजेन ऑक्सीडेशन नंबर सब बेले प्लस वन हुए किंतु जितेबाला ऑक्सीडेशन ऑक्सीड ये जो ओ एफ टू मैंने ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कंडीशन रे थिले ताको कौन हुए तार माइनस वन हो जाए सब बेले ऑक्सीजन प्लस वन हम कि ओ एफ टू कंडीशन रे माइनस वन हम तापर कौन ना सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज टेकन एज जीरो मैंने लिखाई
NaCl रे कौन अच्छी ना क्लोरीन रो ऑक्सीडेशन नंबर काढ़ बास क्लोरीन रो काढ़ ताहले आपको जीरो सहित कंपेरिजन करा जीवो सब गोटे कौन ना मॉलिक्यूल बा न्यूट्रल मॉलिक्यूल को जीरो सहित कंपेरिजन करा जाए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जमी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब सब माइनस वन होता है। एग्जांपल नवा MnO2 रे MN रो कौन हम ना मांगानीज ऑक्साइड रे मांगानीज रो कौन ना ऑक्सीडेशन नंबर केते काढ़िया को देछि जहार पचार थिबो ताकू एक्स नै जिबा मांगानीज रो पचार छि ताकू एक्स नै गले आ ऑक्सीजन रो माइनस टू पढ़ी चंती ऑक्सीजन होची गोटे रो माइनस टू अच्छी दुईटा अच्छी मान कौन दुई गुणन माइनस टू जानते टोटाल कंपाउंड रो कौन इजिकल टू जीरो नै जेनै गले एक्स दुई गुणन दुई माइनस चार एक्स माइनस फोर इजिक्वाल टू जीरो एक्स इक्वाल टू प्लस फोर मांगानीज रेगला प्लस फोर होगा। ये थी बहुत सिंपल रो ये नोट मुदेवी आप चेष्टा करेंगे या NCERT बुक सहित मैच करके आउ किसी एक्सट्रा पढ़ीदेक जी संभव कौन हो नोट प्रोभाइड करमिस्ट्री जी मुझे बुझी आपको बुझेदेवी चेष्टा करिबा एमिति धीरे 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 कौन करिबा ना कोर्सटा को कंप्लीट करिया को जदि वीडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जैसे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करूँ CBZ पिला केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकि मटेरियल आम मिल वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी सांगसाथी मान सहित सेयार करूँ। थैंक यू।